इधर श्रावस्ती में भी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। यहाँ शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिंगा हो या फिर बस अड्डा या फिर बाजार और सड़क, हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एम्बुलेंस भी जलमग्न दिखाई देती है और इससे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल, बाजार, सड़क सब जलमग्न। श्रावस्ती में बारिश से मुसीबत आप देख लीजिए। जैसे और भी कई जिलों का हाल, वैसे ही श्रावस्ती की तस्वीरें। यहां भी घर से लगाए अस्पताल और सड़क सब पानी में डूबे हुए हैं लगातार बारिश के बाद। इधर बाराबंकी में किसानों को बारिश के कारण दोहरी मार झेलनी पड़ रही। एक तरफ जहां भारी बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल डूबी हुई है, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी से भी फसल गिर गई। पहले सूखा और अब बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। सबसे ज्यादा फसल सरयू नदी के तराई में बर्बाद हुई है। यहां न सिर्फ धान बल्कि गन्ने की फसल भी प्रभावित हुई। दो तस्वीरें भारी बारिश के बाद जो फसल डूब गई बाराबंकी में, वो आप देखिए। और परेशान किसानों को मुआवजे की मांग है। वैसे मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका भी एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए ताकि उनको सहायता दी जा सके। तो मांग है बाराबंकी में परेशान किसानों की मुआवजे की। इस बार 89,512 किसानों ने बीमा कराया है, जो कि एक बहुत अच्छी संख्या है। गत वर्ष जो था लगभग केवल 50,000 किसानों ने बीमा कराया था, लेकिन इस बार 89,000 किसान है। एक बहुत अच्छी संख्या है और मैं सोचता हूँ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पहले सूखा और अब भारी बारिश ने जो है किसानों को तबाह कर दिया है। बाराबंकी जिले में हुई बारिश के बाद बाराबंकी के तमाम सारे किसान जो है बर्बाद हो गए हैं। दरअसल बारिश ने जो है धान किसान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हम इस वक्त फतेहपुर क्षेत्र में हैं, जहां पर धान की जो आप सामने फसल देख रहे हैं, ये फसल जो है पूरी तरह से गिर गई है। और देखिए जो ये धान की फसल है, अब ये जो है पूरी तरह से जो है ख़राब होती जा रही है। अभी किसानों ने जो है अपनी मेहनत की जो कमाई थी वो इसमें लगाया था, लेकिन आज देखिए ये जो है धान की फसल जो है पूरी तरह से जो है बर्बाद हो गई है। फसल जो है आप देख रहे हैं कि नीचे जो दाने हैं, आप धान के दाने देख रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं ये काफ़ी जो है ख़राब हो रही है। और ये जो है पेड़ हैं, जो धान के पौधे हैं, ये जो है गिर गए हैं, जिसके चलते अब जो है ये जो कुछ कच्चा धान है ये जो है पक नहीं पाया, जिसके चलते जो है इसकी जो है फसल जो है आगे नहीं हो पाएगी। लिहाजा अब किसान की जो है इससे कमर टूट जाएगी। हालांकि कृषि विभाग का दावा है कि इस पूरे मामले पर जो है बाराबंकी ज़िले में सर्वे चल रहा है और सर्वे के दौरान जो भी किसानों का मुआवजा होगा वो दिया जाएगा। फिलहाल सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है, लेकिन किसानों का भी कहना है कि अगर इसकी राहत नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। और चंपावत में हो रही भारी बारिश के चलते जिले के नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर मलबा आने से NH बंद हो चुका है, नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। प्रशासन ने टनकपुर और चंपावत मुख्यालय पर यातायात को रोक कर वाया हल्द्वानी डाइवर्ट कर दिया है, मतलब हल्द्वानी होते हुए अब जाना होगा। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है और क्षेत्र में कहीं भी आपदा की स्थिति होने पर फौरन रिस्पांस देने को कहा है। DM भंडारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से सावधानी पूर्वक का उसको खोलने के निर्देश दिए, लेकिन भारी बारिश के चलते पहाड़ियों से लगातार मलबा आने से इसको खोलने में बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इधर बद्रीनाथ की पहाड़ियों में मौसम की बर्फबारी हो रही है और लगातार हो रही बारिश के बाद यहाँ ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ पर्वत पर लाइव बर्फबारी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये बद्रीनाथ धाम का नीलकंठ प्रसिद्ध पर्वत, जिसका आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है, वहां पे आप बर्फबारी की तस्वीरें देखिए। ये इस सीजन की पहली बर्फबारी वहां पर। तो बद्रीनाथ में और केदारनाथ में और उन पहाड़ियों की चोटियों पर बर्फ गिरी है, इसका असर निश्चित रूप से निचले इलाकों में भी पड़ेगा और वो शुरू हो जाएगा बहुत जल्द।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।